सो गाइस, मैं हूं राहुल राज। आप देख रहे हैं मैकेनिक यूट्यूब चैनल। मैं फिर से एक बार वीडियो लेकर आऊँ जो इस बारे में बताऊंगा। चैन साहब पर जैसे मोबाइल है, तो जैसे कस्टमर, जैसे कल हम दुकान पर नहीं आए थे तो कस्टमर मशीन छोड़ के गया कि चैन पर मोबाइल देखो भाई, हमारे चैन पर मोबाइल क्यों नहीं जाता है। तो मैंने सोचा अभी सुबह टाइम है तो मैं इसको वीडियो बना दूँ, आप लोग को दिखा दूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो चलता हूँ, शुरू करता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, मैं इसका मशीन का चैन इसको निकाल के चालू करके देखता हूँ चैन पर मोबाइल क्यों नहीं आ रहा है। तो पहले मैं चालू कर लेता हूँ चैन सा मशीन को। तो गाइस आपको देख सकते हैं चैन पे मोबाइल थोड़ा सा जो चैन में पहले से लगा था वही से चैन पे मोबाइल फेंका है। तो फिर यहाँ पे देखिए, हम पाटा किए तो यहाँ पे मोबाइल नहीं आ रहा। तो मैं आप लोग को चलता हूँ दिखाता हूँ इससे दिक्कत कहाँ पे है चैन सा मशीन पर। तो चलता हूँ, इसको खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे प्लग रिंच लगता है, तो मेरे पास 12-13 नंबर स्पानर है, तो 12-13 नंबर स्पानर से खोल लेता हूँ इसको। तब देख सकते हैं मैं इस बोल्ट को खोल चुका हूँ। तो फिर इसको बाहर निकाल के आप लोग को करता हूँ। अब चैन पे चैन में निकाल देता हूँ यहाँ से। अब पाटा भी निकाल देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर छेद जो होता है फटाए के छेद, देख सकते हैं आप साफ है यहाँ, ये भी साफ है। तो किस जगह से दिक्कत है तो आप लोग को बताता हूँ मैं। तो देख सकते हैं मैं फिर से चालू करके यहाँ से देखता हूँ मोबाइल क्यों नहीं आ रहा है। अब मशीन के चालू करके यहाँ से आप लोग को दिखाता हूँ कैसे मोबाइल। तो मोबाइल देख सकते हैं यहाँ से मोबाइल नहीं आ रहा है। तो मैं इसको चलता हूँ क्लच को खोल के आप लोग को मोबाइल पंप जो होता है उसको मैं दिखाता हूँ वो सही है कि खराब, की गरारी कटा है, तो आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो गाइज मैंने क्लेक्सू और जो इसका पूरा होता है क्लेक्सू को हमने खोल लिया, तो आप लोग को दिखाता हूँ इसमें गरारी कटा है कि पंप ख़राब है। तो आप लोग को प्लेन नंबर में गरारी निकाल के दिखा देता हूँ इसको, गरारी निकाल के दिखा देता हूँ गाइज। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, देखो गरारी को देख लेता हूँ, गरारी भी अभी सही है, गरारी नया लगा था। तो यहाँ पे हल्का हल्का कटा है गरारी, तो इससे भी दिक्कत आता है देख सकते हैं आप लोग। तो पंप को मैं खोल कर देख लेता हूँ, पंप कहीं कटा नहीं है, तो पंप को भी मैं नया डाल देता हूँ। इसका पेच खोल लेता हूँ मैं, देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं मैं इसका 3 बोल्ट खोल चुका हूँ, तो आप लोग को दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप लोग यहाँ से इसका गरारी, मोबाइल पंप जैसे इसमें गरारी टाइप में होता है तो ये भी कटा है। तो इसको निकाल के मैं आप लोग को नजदीकी में दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए मोबाइल आ रहा था, तो वो भी बताऊँगा किस तरीके से सही करना है, देख सकते हैं। तो गाइस इसका देख सकते हैं पूरा है, इसको मैंने बोल्ट खोल लिया हूँ, तो इसको हम निकाल के आप लोग को दिखाता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ से इसका गरारी जो होता है हल्का हल्का कटा है, तो इसका पंपिंग भी नहीं कर रहा था। तो मोबाइल पंप गरारी को हम नया डाल देंगे, देख सकते हैं इसका मोबाइल पंप। और देख सकते हैं गाइस यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ से देख सकते हैं एक छोटा सा रबर लगता है, इसको आपको जब भी मोबाइल पंप को खोलना है तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये छटक जाता है तो मोबाइल नीचे टूटने लगता है। तो मैं आप लोग को इसको दिखा देता हूँ,
देख सकते हैं यहाँ इसका पिन बैठा है, उसी की वजह से यहाँ पर मोबिल आ रहा था। तो ये भी पाइप को ध्यान में रखना है, तो पाइप को मैं खोल लेता हूँ, इसको देख लेता हूँ पाइप से मोबिल फटा है कि क्या है, तब भी होता है दिक्कत। तो इसको देख लेता हूँ, तो देख सकते हैं इसको किसी पंप से किसी से इसका साफ है एकदम। इसका पाइप भी देख लेना, कहीं फटा नहीं है, बगल से मोबिल भी गिरेगा नहीं तो फटा उटा रहेगा। तो गाइस देख सकते हैं मोबिल पंप, मोबिल पंप का आगे को नया डाल देता हूँ, क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे तो ये भी कट जाएगा। इसको ए भी ओ भी दोनों साथ में बदलना, मोबिल पंप गरारी को साथ में डालना है, नहीं तो पंप ख़राब हो जाएगा जल्दी। चाहे ए भी कट जाएगा, ए डालते हैं तो ये ख़राब हो जाएगा, ए डालते हैं तो ये ख़राब हो जाएगा। इसमें यही सिस्टम है, तो इसको डालना तो नया ही डालना। तो मैं इस पाइप को लगा देता हूँ और फिर इसको बैठा के टाइट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं चालू करके आप लोग को दिखाता हूँ। अब मोबिल हमारा छिड़क रहा है, तो गाइस मैं इसको ऐसे ऊपर से लगा के चेक कर लेता हूँ मोबिल हमारा छिड़क रहा है कि नहीं। तो अब इसको मैं ऊपर से लगा के चेक कर लेता हूँ, तो देख तो इसका कवर बांध देता हूँ, इससे अच्छा से अच्छे से इसको साफ कर लेना। पहले नंबर ऐसे साफ लेना, कटर से ना लगा रहा है तो इसको बांधना है आप लोग को। चारों पेच लगा देता हूँ तो आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइस दिखाता हूँ मैं चैन पे मोबिल कितना अच्छा से आया है, देख सकते हैं पूरा एकदम चैन भीग चुका है, देख सकते हैं चैन पे एकदम पूरा कंप्लीट मोबिल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं फिर तो अगली